ये क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है नीचे। मिस्टर तेंजिंग इज एंगेज इन कंपोजिट बिजनेस। कंपोजिट का मतलब क्या होता है? दो बिजनेस कंबाइंड है। कौन सा बिजनेस? ग्रोइंग एंड क्योरिंग। ठीक है, ग्रोइंग एंड क्योरिंग कॉफ़ी। कॉफ़ी को ये ग्रो भी करते हैं और क्योर करके बेचते भी हैं उसको। ठीक है, तो दो बिजनेस है इनके। जो बिजनेस इनका ग्रोइंग का है ये आता है एग्रीकल्चर बिजनेस के अंदर, और ये आता है नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस के अंदर। और यहाँ पर क्या है? प्रोसेसिंग है। ठीक है, तो आपको याद रहे जो एग्रीकल्चरल इनकम होती है वो हमारी एग्जेम्प्ट होती है। तो क्वेश्चन क्या है आपका? कंबाइंड क्वेश्चन है। कुछ पार्ट क्या है आपका? एग्रीकल्चर इनकम भी है और कुछ पार्ट आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। तो ये बता रहा है आपको, मिस्टर तेंजिंग इज एंगेज इन कंपोजिट बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड क्योरिंग कॉफ़ी इन कर्नाटका। ठीक है, द होल ऑफ कॉफ़ी ग्रोन इन इज प्लांटेशन इज क्योर्ड। जितनी भी कॉफ़ी उसके यहाँ होती है सभी को वो क्योर करता है, यानी फर्दर प्रोसेस करके बेच देता है। ये बताया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई। और लास्ट में ये दे रखा है आपको 31 मार्च की बैलेंस शीट, जो हम वो दिखाएंगे अभी। 31 मार्च की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कितना उसने पैसा कमाया इस बिजनेस से और क्या खर्चे उसके हुए, ये दे रखे हैं आपको। नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये दे रखे हैं आपको उसकी इनकम के डिटेल्स जो आपको ध्यान से देखने हैं। पहली डिटेल है आपकी WDV ऑफ कार। कार की WDV दे रखी है, इस पर लगता है डेप्रिसिएशन 15% से। तो कार की WDV दे रखी है आपको 3 लाख, और दे रखी है WDV ऑफ मशीन। मशीनरी भी यूज़ करता है, उस पर 15% लगता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू है 15 लाख रुपये। फिर बोल रहा है आपसे वो एक्सपेंसेस फॉर ग्रोइंग कॉफ़ी, मतलब ये जो पार्ट है ये उसका एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है, जहाँ खर्चा उसका हो गया। और दूसरा है एक्सपेंडिचर फॉर क्योरिंग कॉफ़ी, ये उसका दूसरा बिजनेस जहाँ पर वो कॉफ़ी को फर्दर प्रोसेस करता है, उसका खर्चा है। तो हमें इन दोनों एक्सपेंस को अलग अलग रखना है, कंबाइन नहीं करना। ध्यान रखना इस बात को कि जो एक्सपेंसेस ग्रोइंग पे आ रहे हैं वो आते हैं एग्रीकल्चर इनकम के अंदर, वो इनकम उसकी टैक्सेबल नहीं होती। लेकिन जो क्योरिंग पे है, कॉफ़ी को फर्दर प्रोसेस करने में जो खर्चा आ रहा है, वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, वो आपकी टैक्सेबल होती है। तो ये क्वेश्चन कंबाइंड है। और जब उसने कॉफ़ी को बेच दिया तो उसने कितने का बेचा? 22 लाख रुपये का। ये उसका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, 22 लाख रुपये कंबाइंड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। इसको हमें 75-25 करना पड़ेगा। ठीक है, 75 क्या होगी आपकी एग्रीकल्चर इनकम, 25 क्या होगी आपकी क्या कहते हैं उसका बिजनेस इनकम। इसको जब पहले निकाल लेंगे नेट, उसके बाद करेंगे ये काम, अभी नहीं। तो आपको मैंने बताया कि बिजनेस है उसका ग्रोइंग एंड क्योरिंग कॉफ़ी का। ग्रोइंग का मतलब एग्रीकल्चर इनकम और क्योरिंग का मतलब मैन्युफैक्चरिंग इनकम। एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है, सॉरी एग्जेम्प्टेड है, और जो आपकी क्योरिंग वाली है, प्रोसेसिंग वाली है, वो टैक्सेबल है। और उसने आपको खर्चे दिखा रखे हैं अलग अलग, ये मेरे खर्चे होते हैं। नीचे बता रहा है वो आपसे, बिसाइड्स बीइंग यूज फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन द कार इज आल्सो यूज फॉर पर्सनल यूज। ये वाली कार बिजनेस में तो यूज़ होती होती है, साथ में पर्सनल यूज में भी यूज करता है। तो जो खर्चे उसके पर्सनल यूज़ के होंगे वो डिसअलाउ हो जाएंगे। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, डिस अलाउंस फॉर पर्सनल यूज मे बी टेकन एज 20%। मतलब जो ये खर्चा कार के ऊपर आएगा उसका 20% हम अलाउ नहीं करेंगे, सिर्फ 80% अलाउ करेंगे, क्योंकि 20% तो वो खर्चा खुद के लिए कर रहा है। आपसे आगे बोल रहा है वो, एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ कार आर 50,000 रुपये। ये बोल रहा है कि 50,000 रुपया खर्चा टोटल आया, तो इसका हम निकालेंगे 20%, वो माइनस कर देंगे, बाकी बचे हुए 40,000 आपको अलाउ कर देंगे एज एक्सपेंसेस। ऐसे ही यहाँ निकालेंगे डेप्रिसिएशन, उसका भी 80% आपको अलाउ कर दिया जाएगा, 20% क्योंकि आप पर्सनल यूज के लिए करते हो, तो वो हम डिसअलाउ कर देंगे, जो हमने पढ़ा था डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर वाले चैप्टर में, सेक्शन में। तो लास्ट है क्या उसका, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम द एक्टिविटीज़, कौन कौन सी इनकम है उनको आइडेंटिफाई करना है और उनकी इनकम निकालनी है। एंड आल्सो शो द WDV ऑफ द असेट्स, ये असेट है इनकी WDV भी दिखानी है फॉर द ईयर एंडिंग कितनी आती है। ये दो काम हमारे को करने हैं, तो कर देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्लियर है हमारे को कि दो इनकम है इसकी, एक एग्रीकल्चर और एक नॉन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इनकम एक्सेम्प्टेड है उसकी, और जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जाम नहीं है, उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन आपको याद हो सेक्शन 78 रूल 7B क्या बोलता है आपको, ये रूल 7B बोलता है आपको कि जो भी आपकी इनकम है, मैंने आपको पहले बताया था, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट फ्रॉम ग्रोइंग, इसको बोलेंगे एग्रीकल्चर, और सेकंड फ्रॉम क्योरिंग, इसको बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग। तो 25% जो इनकम होगी वो कहलाएगी आपकी इससे, क्योरिंग से यानी मैन्युफैक्चरिंग से, और जो 75% बाकी बची है उसको माना जाएगा एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम ग्रोइंग, और वो होगी एग्जेम्प्ट। ये वाली हो जाएगी एग्जेम्प्ट, इस पर टैक्स नहीं लगेगा, इस 25% पे टैक्स लगेगा,
जो कि बिजनेस इनकम मानी जाएगी। दोबारा समझ लें, सेक्शन 7B, सॉरी रूल 7B को क्या बोलता है। रूल 7B आपको यही कि जो भी इनकम आपकी कंबाइंड इनकम होती है एग्रीकल्चर से और मैन्युफैक्चरिंग से, तो आप टोटल इनकम को दो इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। पहला पार्ट है 75%, वो मानी जाएगी आपकी एग्रीकल्चर इनकम। फिर दूसरा पार्ट है 25%, वो मानी जाएगी इनकम ऑफ द बिजनेस, और उसी पर टैक्स लगेगा। ठीक है, जो क्योरिंग वाला पार्ट है वो टैक्सेबल है, बाकी ग्रोइंग वाला पार्ट नहीं टैक्सेबल है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। सीधी बात है, हम निकालेंगे बिजनेस का प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक 75 और एक 25। 25% वाला पार्ट टैक्सेबल होगा, उसके अलावा कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। अब चलते हैं आंसर पे। ये आपके सामने है आंसर आपका। ठीक है, आंसर सामने है आपके। सबसे पहले क्या करना है, हमें सेल वैल्यू लिखनी है। हमेशा लिखते हैं, हम सेल प्लेस करते हैं पहले। तो सेल है आपकी 22 लाख रुपए, क्वेश्चन में गिनती है वैल्यू। सेल है आपकी 22 लाख रुपए। फिर आपको दे रखा था एक्सपेंडिचर फॉर ग्रोइंग कॉफी, वो थे 3,10,000, और एक्सपेंडिचर फॉर क्योरिंग कॉफी वो थे 3 लाख। और मैंने आपको बताया दोनों को हम अलग अलग ट्रीट कर लेंगे, हालांकि आप साथ में माइनस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर फिर भी वही आएगा। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो भी यही आंसर आएगा इससे माइनस करके, और अलग अलग माइनस कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है वैसे, कि दिखाने के लिए कि हाँ हमने ऐसे एक्सपेंड किया है, वो हम शो कर सकते हैं कि ये पार्ट हमारा जो ऊपर वाला पार्ट ये हमारा एग्रीकल्चर इनकम से संबंधित है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारे बिजनेस इनकम से संबंधित है। इसको अलग अलग दिखाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा दिखता है, लेकिन आप नहीं भी दिखाओ तो भी कोई दिक्कत, आंसर हमारा एक ही आएगा। तो पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस की। तो वहाँ था आपका 3,10,000 रुपये फॉर ग्रोइंग कॉफ़ी, और साथ में उसने कहा था कार भी मैं यूज़ करता हूँ, पर कार का जो 80% अमाउंट है वो मैं बिजनेस के लिए यूज़ करता हूँ, और 20% मैं यूज़ करता हूँ पर्सनल। जो पर्सनल यूज़ करता है 20%, वो हमने कर दिया था उसको डिसअलाउ, है ना, ये हमने इसको डिसअलाउ कर दिया था, डिसअलाउ काट दिया तो नहीं दिया, और बाकी बचा 80% इसको अलाउ किया था हमने। तो 50,000 का 80%, ये 40,000 रुपये उसको अलाउड है एज एक्सपेंडिचर, यानी कि ये खर्चा मान लिया जाएगा उसका। फिर है आपकी कार की वैल्यू, कार की वैल्यू आपको दे रखी है ऊपर ज़्यादा हो तो, है ना, तो उस कार की वैल्यू पे लगाना है आपको डेप्रिसिएशन। 3 लाख रुपये कार की वैल्यू है जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये 3 लाख रुपये कार की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, और आपको 15% रेट पता है लगती है कार के ऊपर, ये भी गिवन था क्वेश्चन में हालांकि, और उसका हमने निकाला 80%, क्योंकि वो आपकी 20% यूज होती है पर्सनल। तो बाकी जो 80% डेप्रिसिएशन है वो हमारे बिजनेस का डेप्रिसिएशन है, जो 20% बचा हुआ है वो हमारा पर्सनल डेप्रिसिएशन है, उसको हम डिसअलाउ कर देंगे। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या बताया मैंने आपको। सबसे पहले मैंने माना कि एक्सपेंस को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ग्रोइंग वाले में और क्योरिंग वाले में। आप करें ना करें आंसर एक ही आएगा, पर ये करेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखता है क्वेश्चन। तो इसके अंदर जो एक्सपेंसिस थे ग्रोइंग कॉफ़ी के 3,10,000 वो यहाँ लिख दिए, और जो क्योरिंग थे 3 लाख वो यहाँ लिख दिए। ठीक है, दोनों माइनस होने हैं यहाँ से, यहाँ से दोनों माइनस होने हैं। उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद मैंने क्या किया, जो आपकी कार है उस पर जो खर्चा आया चलाने पे वो था 50,000 रुपये, और क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि 20% पर्सनल यूज़ के लिए है, तो 20% माइनस करके 80% बचे आपके, तो 80% का आपको हमने अलाउंस दे दिया एज एक्सपेंडिचर, मान लिया ये भी आपका खर्चा हो गया। 50,000 ना होके वो 40,000, 10,000 रुपये आपने खुद पे खर्च करे हैं वो हमने डिसअलाउ कर दिए। और ऐसे ही जो आपको WDV रखी थी ऊपर कार की और मशीनरी की, तो पहले कार पे लगा देते हैं WDV पे डेप्रिसिएशन, फिर लगा देंगे मशीनरी पे। कार की वैल्यू कितनी है 3 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी है 15%, ये भी गिवन है, और ये हमने हमने निकाला अभी कि 100% तो है लेकिन 20% होती है पर्सनल यूज़ के लिए, तो बिजनेस के लिए जो यूज़ होती है वो हम अलाउ करेंगे। 80% बिजनेस के यूज़ होती है, 80% आ गया 36,000 रुपये। 3 लाख का पहले 15% निकाला, और फिर उसका निकाला 80% जो कि खर्च हुआ बिजनेस के ऊपर। तो ये आपकी क्योरिंग की यानी कि एग्रीकल्चर इनकम का खर्चा आ गया, और लिखा भी है टोटल कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन। हालांकि अलग से दिखाना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर ये दिखाने से आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, टीचर को अच्छा लगेगा कि आपने क्वेश्चन को समझा है अच्छे से। ठीक है, अब जा रहे हैं सेकंड पार्ट पे, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट पे, जो उसकी बिजनेस इनकम है उस पे जा रहे हैं। उसका पहला खर्चा क्या बताया था हमने, 3 लाख रुपये फॉर क्योरिंग कॉफ़ी। ठीक है, और 15 लाख रुपये की आपकी मशीनरी थी या 2 WDV थी, 15 लाख, उसका निकालना है 15% डेप्रिसिएशन। यहाँ कोई पंगा है ही नहीं है, पूरा बिजनेस के लिए यूज़ किया, मशीन थोड़ा घर ले जाएगा ठाके अपने, ये आ गया 2,25,000 रुपये, ये भी आपका डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, क्या आ गया, ये आपका डेप्रिसिएशन। आपको याद ना हो WDV, तो एक बार WDV आप देख सकते हैं, कार की भी और मशीनरी की भी,
ये देख ली सामने आपके, आगे WDV कार की 3 लाख थी, मैं बताया था आपको, और इसकी 15 लाख थी। दोनों पर एप्रिशन 15% लगाना था हमारे को। तो कार को अभी 80% यूज होती है बिजनेस, तो इस पर हमने लगाया था 80%। तो ये हमने यहाँ पर उस WDV 15 लाख पे 15% एप्रिशन लगा दिया, 2,25,000 रुपये। ये 3 लाख रुपये हमारा खर्चा था फॉर क्योरिंग कॉफ़ी, ठीक है। तो ये हमने क्लियर कर दिया कि WDV से कैसे हमने लगाया डेप्रिसिएशन। अब तो बस क्या है, आराम से क्या निकालना है, प्रॉफिट और लॉस निकालना। तो ये आ गया आपके सामने आपका आंसर, ठीक है। तो अभी हमने देखा जो क्योरिंग ऑप्शन थे उसका तो खर्चा 5,25,000, 3 लाख रुपये आपका खर्चा हुआ क्योरिंग का, और 2,25,000 रुपये आपका क्या हो गया डेप्रिसिएशन। 3 लाख रुपये क्योरिंग एक्सपेंसेस और 2.25 ये क्या थे आपके एक्सपेंसेस ऑन डेप्रिसिएशन, क्योरिंग के खर्चे 5,25,000 रुपये। तो दोनों खर्चों को मिलाया तो टोटल एक्सपेंस जो हमारा आ गया एग्रीकल्चर इनकम का और बिजनेस इनकम का वो आ गया 9,11,000 रुपये। 22 लाख रुपये आपके पास थे इनकम के, उसमें से माइनस कर दिए 9,11,000 रुपये, तो बाकी बचे 12,89,000। ये आपका है इनकम, टोटल इनकम है। इसके दो पार्ट मैंने आपको बताया था, एक एग्रीकल्चर इनकम और एक पार्ट बिजनेस इनकम। तो पहले मैंने निकाला 25%, वो मैंने कहा था हम मानेंगे बिजनेस इनकम, रूल 7B, 7B याद करना रूल। तो ये आया इसका 25%, ये टैक्सेबल है, और बाकी बचा 75%, 9,66,000 रुपये, ये आपका एग्जेम्प्टेड इनकम है। दोबारा सुन लो एक बार फिर से, जो भी आप अगर दो काम एक साथ कर रहे हैं, मतलब आप बना भी रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और उसको क्योर कर रहे हैं या उसको उस प्रोसेस करके आगे बेच रहे हैं, जैसे आपने शुगर केन से शुगर बनाई, तो उसमें दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाएंगे आपके, कि पहले शुगर केन को आप करोगे और उसके बाद उसको आप प्रोसेस करके शुगर बनाओगे। तो ऐसे केसेस के अंदर मैंने बताया कि इनकम को डाइवर्ट करने के लिए रूल 7B आता है, वो बोलता है 75% इज एग्रीकल्चर इनकम, 25% इज बिजनेस इनकम। तो हमने वही यहाँ पर किया कि जो हमारी इनकम आई 12,89,000, इसका 25% माना हमने बिजनेस इनकम और 75% माना एग्रीकल्चर इनकम। ये एग्जाम होती है टैक्स से, ये टैक्सेबल है, टैक्स लगेगा 3,22,500 रुपये। ये उन्होंने क्वेश्चन का एक पार्ट पूरा हो गया। अब हम जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा था कि हमें चाहिए WDV ऑफ असेट्स। तो आपके सामने आ गए WDV ऑफ असेट। नंबर वन, सबसे पहले क्या करना है आपको, कार की निकाल लेनी है। कार की बताया ओपनिंग वैल्यू कितनी थी, 3 लाख रुपए थी, आपको याद है। इस पे 15% लगाया हमने डेप्रिसिएशन, जो आया था 45,000। लेकिन हमने आपको बताया था कि 20% जो पर्सनल यूज के लिए है वो अलाउ नहीं किया जाएगा, तो ये जो 9,000 रुपये पर्सनल यूज का था ये इससे माइनस कर दिया, या फिर वही पहले की तरह 3 लाख, है ना, पहले 3 लाख ले लो, इंटू कर दो 15% और इंटू कर दो 80/100, इंटू 80/100, ये लाख है, ध्यान रखना ये लाख है ना। तो आपका आ जाएगा ये अमाउंट 36,000, जो आपका कम हो जाएगा एज डेप्रिसिएशन, जो हम अलाउ कर देंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो आपका WDV गाड़ी की 2,64,000 रुपये, ठीक है, बहुत सिंपल है ये। अब मशीनरी की बात कर लेते हैं। 15 लाख की मशीनरी थी, यहाँ कोई पंगा है ही नहीं, तो 15 लाख का निकाला 15%, वो आया था 2,25,000 रुपये, तो इसको माइनस कर दिया दोनों को, तो आपकी WDV आ गई मशीनरी की 12,75,000। ये भी बहुत सिंपल वाला पार्ट था, WDV मांग ली तो मजा आ गया हमारे, जो बुक वैल्यू है वो माइनस जो हमें लगाया है उस पर डेप्रिसिएशन, 15 लाख पे 15%, तो 15% 15 लाख पे लगाया, वो आया 2,25,000 रुपये। अब क्या किया, इसको माइनस कर दिया दोनों में से, है ना, इस 15 लाख में से ये माइनस कर दिए, तो आपको मिल गया 12,75,000 रुपये। ये थी आपकी WDV ऑफ मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2020, ठीक है। दोबारा से देख लो, गाड़ी में थोड़ा सा टिपिकल था, ठीक है, पहले लिख दी कार की ओपनिंग वैल्यू, ऐसे लिख दी ओपनिंग वैल्यू मशीनरी की। अब इस पे लगाया 15%, ये आया 45,000, इस पे लगाया 15%, ये आया 22,25,000, ये पूरा माइनस कर दिया, ये हमारा WDV आ गई। लेकिन कार के अंदर पता था आपको 20% यूज़ किया है सेल्फ के लिए, सेल्फ के लिए यूज़ किया वो माइनस किया था, तो बचा था 36,000, इसमें से इसको माइनस किया तो बच गया 2,64,000। ध्यान से करेंगे क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक
थैंक यू वेरी मच।